नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं कृषि संसार यूट्यूब चैनल और आज मैं आपको कुछ विशेष चीज़ दिखाने लाया हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। यह आदिवासियों के पास जो मुर्गियां हैं, पीढ़ियों दर पीढ़ी उनसे पालते चले आ रहे हैं, उन्हीं मुर्गियों में से एक मुर्गी अपने चूजे के साथ घूम रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनके ऑनर ने हमें बताया कि ना ही इनको हम कोई वैक्सीन देते हैं और ना ही कोई इनको हम केमिकल या कुछ दवाई वगैरह देते हैं। ये नेचुरल फीड पर अपने आप डिपेंड हैं और पीढ़ियों से अपने बच्चों को बड़ा करते और अपने पीढ़ियों को बढ़ाती चली आ रही हैं। इस तरह की जो देसी मुर्गियों की वैरायटी इतने नेचुरल वातावरण में अभी भी जो पल रही हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और हमें इसी ब्रीड पर बढ़ावा देना है। तो किसान साथियों, आप इस मुर्गी को देख कर बताएं कि क्या इस ब्रीड को बढ़ावा दिया जा सकता है, और अगर बढ़ावा दिया जा सकता है तो हम इसके लिए क्या क्या कार्य कर सकते हैं। आप हमें थोड़ा कमेंट या कमेंट बॉक्स में या हमारे मेल पर या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमको ज़रूर इसके बारे में सूचित करें और हमें इसके बारे में कुछ सलाह अवश्य दें। हमें आपकी सलाह की बहुत ही आवश्यकता है। तो किसान साथियों, आप इसको ध्यान से देखें कि जिस किसान साथी की है, यानी आदिवासी की है, उन्होंने इसके सारे अंडे को खा लिया है। जो 8-10 अंडे दिए थे उसमें से एक भी अंडा ऐसा नहीं जिसने मतलब जिसमें से चूजा ना निकला हो। उन्होंने जितने अंडे इस मुर्गी के नीचे रखे थे सब में चूजे निकले हैं और बाकी अंडों को उन्होंने अपने भोजन में इस्तेमाल किया है। किसान साथियों, अपनी कीमती सलाह हमें अवश्य दें और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।